तो मैं अभी आपको जो दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ये हैंडमेड सोप्स हैं लश ब्रांड के, और कितने सुंदर सुंदर साबुन हैं आप देखो, ग्लिटरी एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरे हाथ में ग्लिटर आ रहा है, इतने इतने ब्यूटीफुल हैं ये, एंड इट स्मेल्स सो गुड एज वेल। ओ वाओ, बहुत ही अच्छे अच्छे सोप्स हैं, और इन्होंने मेरे हाथ में भी ग्लिटर लग गया, और ये आई थिंक मैंगो का स्लाइस लग रहा है बिल्कुल ही, ये सोप नहीं लग रहा, मैंगो का स्लाइस लग रहा है। हाथ से बने हुए हैंडमेड सोप्स हैं ये, आप भी कभी आओ तो यहाँ पर जरूर आना। एंड ये इनका लिक्विड फॉर्म भी है, बट मुझे बार्स ही अच्छे लग रहे हैं अगर आपको सोप्स यूज करने का शौक है, बिकॉज आजकल के टाइम में सब लोग शावर जेल्स ही यूज करते हैं। ये देखिए इन्होंने हैम्पर्स भी बनाए हुए हैं, ये देखिए लॉलीपॉप वाला लॉलीपॉप वाला सोप, इसे हम खा भी सकते हैं और इसे नहा भी सकते हैं। दिस इज आई थिंक कैंडी या डोनट या ऐसा कुछ, ये आई थिंक ये कैंडी या डोनट ऐसा कुछ है ये, और ये बॉल है ऑब्वियसली। ओ माई गॉड, यू हैव टू स्मेल दिस, दिस इज डिवाइन, ऐसा फ्रेग्रेंस मैंने किसी सोप में नहीं। आई लव लश, आई थिंक आई एब्सोल्यूटली लव दिस ब्रांड, और मैं यहाँ से कुछ जरूर खरीदूंगी। ये इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, दिस वन इज मैजिक। और भी बहुत है यहाँ पे, ये आई थिंक उनकी लिप बाम्स हैं, जैसे पूरा बॉडी शॉप में कलेक्शन होता है ना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसके ऊपर तो मैं पूरा व्लॉग बना सकती हूँ। स्मेल दिस, और ये पूरा जैसे रोज का, रोज के जो पत्ते पेटल्स हैं वो फ्लावर के डाले हुए हैं इसमें, ये देखिए आप, बिल्कुल ही पंपकिन लग रहा है। एंड दिस, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, ये हनीकॉम जो होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, वो बनाया हुआ है। वाओ, राउंड द रैबिट, जस्ट कम एंड हैव अ लुक है, कितने अच्छे अच्छे सोप्स हैं, और ये आर्गन ऑयल का है, और यहां देखो आप, माय गॉड, बर्गर अगर खाने का दिल हो, पीच शेप बर्गर, ये तो बिल्कुल ही आइसक्रीम लग रही है, आइसक्रीम लग रहा है, जैसे आइसक्रीम होती है ना ऐसी होती है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और इनका स्मेल, इनका जो फ्रेग्रेंस ही अलग है, द फ्रेग्रेंस इज सो डिवाइन। सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद आया था, नहीं दिस वन, नहीं वहां वाला डिफरेंट था, और ये ग्लिटर्स के साथ, आई थिंक जो हाथ से बनी हुई चीज होती है ना, उसका एक अलग ही फन होता है। देखो आप, इतने ग्लिटर्स, मेरे हाथ में ग्लिटर्स हो गए, आई हैव बिकम अ ग्लिटर गर्ल टुडे। लिक्विड भी, उनका लिक्विड वर्जन भी है, बाहर का व्यू भी है, बाहर बारिश हो रही है, आई डोंट नो ये किस चीज का सोप बनाया है इन्होंने, बट आप देख रहे हो कुछ खाने का सामान लग रहा है, लुक्स लाइक समथिंग टू ईट, वेरी टेम्प्टिंग। और ये क्लॉक बनाया हुआ है 4:20, सो यू हैव टू सी दिस। ये लेमन का सोप बनाया हुआ है इन्होंने, लेमन का साबुन। कभी आपने फ्रेग्रेंस ली है, कभी आपने स्मेल किया है? कोई किसी लेमन को या किसी नींबू को कभी आपने स्मेल किया हो? उससे भी ज्यादा नींबू लग रहा है ये। दिस इज एक्चुअली अ बाथ बॉम्ब, इसको
ये रैबिट्स हैं, ये बाथ बॉम्ब है एक्चुअली, ये बाथ बॉम्ब है एक्चुअली, इसको यू क्रम्बल, यू टेक अ बिट एंड यू क्रम्बल दैट इन योर बाथ, तो आपका बाथ एकदम लेमन लेमन जैसा बन जाएगा और ग्लिटर ग्लिटर हो जाएगा उसमें। ये मतलब लगा के लगाने वाला साबुन नहीं है, लगाने वाला सोप नहीं है, इट्स अ बाथ बॉम्ब। आपको पता ही होगा अगर बाथ बॉम्ब्स आप यूज करते हो, मैं भी यूज करती हूँ मेरे घर में बाथ टब में कभी कभी, लैवेंडर का हम वो डालते हैं सॉल्ट, लेकिन बाथ बॉम्ब्स भी यूज करते हैं। और अगर आपको पीचेस खाने का शौक है तो ये एक पीच आपके लिए ये मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए, ये खुलता नहीं है पर बहुत ग्लिटर है इसमें। माय गॉड, मेरे हाथ में इतना ग्लिटर हो गया है ना। ये क्या है? ये स्क्रब है, शावर स्क्रब। जैसे हमारी बॉडी में इतना सारा वो डस्ट लग जाता है तो सारे वो एक्सफोलिएट करने के लिए आपकी स्किन को, दिस इज द बॉडी स्क्रब। और ये आपको देखना चाहिए, ये केटल बनाई हुई है एक छोटी सी पिंक और ब्लू। इट्स अ वेरी क्यूट शॉप, इट्स वेरी माय टाइप ऑफ शॉप। जैसे मेरी तरह की, अगर किसी को बोलो ना कि राशि अगर इंसान नहीं एक शॉप होती सो आई वुड हैव बीन दिस शॉप आई थिंक, बिकॉज ये इतनी क्यूट और इतनी कलरफुल है जस्ट लाइक मी। आई डोंट नो व्हाट दिस इज, ये क्या है? ये हैंड और बॉडी लोशन है, बिल्कुल बॉडी। ओह माय गॉड, आह दिस इज सो गुड। ये बिल्कुल बॉडी शॉप वाला, बॉडी शॉप से भी अच्छा लगा मुझे। आई थिंक अगर कभी फ्यूचर में ब्रांड एम्बेसडर बनाना इस ब्रांड का, तो मैं टोटली बन सकती हूँ मुझे ये ब्रांड इतना अच्छा लग रहा है, आई एम टोटली इन लव विद दिस ब्रांड लश। So guys, हमने ये वाला लिया है रोज। एक मिनट रुको रुको, सो हमने ये वाला लिया है, अरे रुको यार मुझे शूट करने दो। हमने ये वाला लिया है रोज वाला, और इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की है, एकदम ही देसी टाइप की पैकिंग है। और एक हमने ये वाला लिया है, दिस इज कॉल्ड कार्मा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, रोज वन, और मैं इससे नहाऊंगी घर जा मैं रोज से नहा कर रोज बन जाऊंगी। ये भी बड़ा फैंसी सा बनाया है बट वो बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, अब हम लोग एक्चुअली शॉपिंग कर करके बहुत भूख लग रही है, आई एम हंग्री, एंड हम लोग अब यहाँ पर खाना खाने आए हैं मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में नैंडोज में। तो यहाँ का पेरी पेरी चिकन बहुत फेमस है एंड सॉसेस बहुत फेमस है, सो यू कैन सी। तो गाइज, मैंने आपको जैसे बताया था, हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट नैंडोज में, और यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं मेन्यू में कि क्या ऑर्डर करना चाहिए। सो ये मेरा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है, आप धीरे धीरे मेरे बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा मैं काफ़ी नैंडोज आती हूँ। पोर्चुगीज और मैक्सिकन फूड का मुझे बहुत शौक है। डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या ऑर्डर करना है। वैसे मुझे, मेरा तो रेगुलर है, मुझे पता है मैंने क्या ऑर्डर करना है। तो मेरे साथ जो आए हैं मेरी फैमिली, वो डिसाइड कर रहे हैं, फ्रेंड्स और ये भाई साहब डिसाइड कर रहे हैं इन्होंने क्या खाना है। क्या खाना है आपने? हाँ, इनको यहाँ पे फास्ट फूड खाना है। वैसे फास्ट फूड भी यहाँ पे अच्छा मिलता है, बट ही इज़ डिसाइडिंग। सो फिर ने डिसाइड कर लिया कि इनको फास्ट फूड खाना है, तो यहाँ फास्ट फूड जैसा ही है बट इट्स मेनली पेरी पेरी चिकन और सॉसेज एंड पेरी पेरी चिकन, जो मेरा फेवरेट है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है नैंडोज़ की, वो है उसकी सॉसेज।
जो सॉसेस यहाँ की खा लेता है वो पूरा एडिक्टेड हो जाता है यहाँ से, और उसको कुछ और अच्छा नहीं लगता दुनिया में। हम अपना ऑर्डर देके आते हैं, फिर मैं आपको वो खाना दिखाती हूँ। सो गाइस, हमारा खाना आ चुका है। मैं अभी आपको खाने की फ़ोटो दिखाती हूँ एंड वीडियो दिखाती हूँ। आई कॉन्ट वेट, बहुत ही अच्छा खाना है। इतना टेम्पटिंग है सब कुछ, चिकन राइस, स्पाइसी राइस, बीन्स वगैरह सब कुछ है। लाओ मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा खाना। ये बीन्स का सैलेड है, ये चिप्स है, ये स्पाइसी राइस है, और ये चिकन है, और ये हमारी सॉसेज हैं। मैं आपको सॉस दिखाती हूँ। ये जो सॉसेज हैं ये बहुत ही स्पेशल है यहाँ की। एक्स्ट्रा हॉट सॉस, हॉट सॉस, और वाइल्ड हर्ब सॉस, और ये बहुत ही अमेजिंग सा खाना। मैं खाने का फिर से व्यू दिखा देती हूँ आपको। इतना अच्छा खाना है, मन कर रहा है कैमरा खाने में डाल दूँ। और ड्रिंक्स में हम लोगों ने स्प्राइट, ज़ीरो कोक, डाइट कोक लिया है। सो गाइस, हमारा डिनर हो गया और आज हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की। सॉरी, मैं शॉपिंग में एक एक चीज़ आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि इतना बिजी थे हम, और कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी थी शूटिंग में। सो खाना भी खा लिया और अब पेट इतना भर गया है, आई एम जस्ट सो फुल। अभी देखते हैं, घर जाके डिजर्ट खाना है तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, ऐसे ही सो जाएंगे। और ये है फॉक्सेस, मैं आपको फॉक्स दिखाना चाहती थी, कलरफुल फॉक्स। यहाँ पर फॉक्सेस बहुत है इसीलिए हर जगह फॉक्सेस बनाई है, और इसलिए इसका नाम भी फॉक्स रिलेटेड है। मैं नाम नहीं बताऊंगी। सो आप लोग इंजॉय कीजिए, मैंने तो बहुत इंजॉय किया अपना आज का, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय।